छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई। तो आज का ब्लॉग होने वाला है, डेट विल बी फ्रॉम मुंबई टू पुणे इन ए लेजेंडरी ट्रेन जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, डेट इज डेक्कन क्वीन। जी हाँ, अगर आप देखोगे वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी ट्रेन एंड ओल्डेस्ट ट्रेन ऑफ इंडिया, लगभग 90 ईयर्स होने वाले हैं। और अगर आप देखोगे रिसेंटली आफ्टर कोविड, मतलब कोविड के बाद अभी रिसेंटली 3-4 महीने पहले इसको LHB कोचेस के साथ इंट्रोड्यूस किया है। दी वन ओनली ट्रेन इन इंडिया जिसमें आपको डाइनिंग कार का फैसिलिटीज मिलता है, जिसमें वोमेन कोचेस लगाए गए हैं। तो काफ़ी कुछ यहाँ पे है। तो आज हम जाने वाले फ्रॉम CSMT टू पुणे जंक्शन इन डेक्कन क्वीन। सो हम निकलने वाले यहाँ से 5:10 को, लगभग वी विल बी कवरिंग अराउंड 185 किलोमीटर्स और रात को 8:25 को हम पुणे पहुँचेंगे। तो लगभग 3 घंटे का जर्नी होने वाला है। और अगर आप देखोगे फर्स्ट ऑफ ऑल वंदे भारत तेजस नाउ दिस वन, तो येस ऑब्वियसली अगर प्रीवियसली अगर आप लोगों ने ब्लॉग नहीं देखा तो डू वॉच आउट डेट ब्लॉग्स। भाई काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा, आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग। अगर पसंद आ रहा है तो डू लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ऑल द आई नो डेट काफ़ी लोगों ने काफ़ी वीडियो आई गेस आप लोगों ने देख लिया होगा, लेकिन ये कुछ अलग है क्योंकि अगर आप देखोगे भाई इतनी दूर से मैं ट्रैवल करके आया हूँ तो इसमें जर्नी दिखाना तो बनता ही है ना। तो येस ऑब्वियसली सो डेक्कन क्वीन एज आई टोल्ड यू डेट इट वॉज इंट्रोड्यूस इन 1 जून 1931, वन ऑफ दी ओल्डेस्ट ट्रेन, नॉट दी ओल्डेस्ट ट्रेन ऑफ इंडिया, वन ऑफ दी ओल्डेस्ट ट्रेन है। वैसे अगर आपको मालूम है तो ओल्डेस्ट ट्रेन ऑफ इंडिया कौन सी है जरा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो येस ऑब्वियसली ये बिफोर कोविड अगर आप देखोगे LHB के साथ रन नहीं होती थी। सो आफ्टर कोविड जब इस ट्रेन का यहाँ पे री इनोग्रल रन हुआ, इट वॉज इंट्रोड्यूस विद न्यू LHB कोचेस एज वेल एज अगर आप देखोगे एज आई टोल्ड यू डाइनिंग कार का फैसिलिटीज है, तो वहाँ पे भी जाएंगे, वहाँ पे भी एक्सप्लोर करेंगे, तो काफ़ी कुछ होने वाला है। सो दिस इज द वॉशरूम ऑफ डेक्कन क्वीन। अगर आप देखोगे काफ़ी अच्छा है, ठीक ठाक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको एक एयर प्योरीफायर मतलब मिल जा रहा है, वॉश बेसिन इज देयर, मिरर है, देन उसके बाद अगर आप इंटीरियर देखो तो कुछ ऐसा है, फ्लक्स इज देयर, जेट स्प्रे इज देयर। तो ओवरऑल द वॉशरूम कंडीशन अगेन यहाँ पे अगर आप देखोगे ये मतलब होल्डर के लिए दिया गया, कुछ अगर रखना हो तो यहाँ पे मिल जाएगा। तो ओवरऑल वॉशरूम इज क्वाइट गुड, लाइक ऑफ अगर आप लोगों ने प्रीवियसली मेरा तेजस में देखा था तो उसी तरीके का है वॉशरूम, तो वॉशरूम कंडीशन इज क्वाइट गुड। सो एग्जैक्टली गाइज 5:10 इन द इवनिंग एंड वी आर नाउ डिपार्टिंग फ्रॉम CSMT छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से हम यहाँ पे डिपार्चर हो रहे हैं एंड आवर जर्नी बिगेंस टुवर्ड्स पुणे जंक्शन। तो आई होप सो काफ़ी अमेजिंग जर्नी हो, लेट्स होप। इस ट्रेन में गाइज आप लोग यहाँ पे AC चेयर कार एज वेल एज यहाँ पे अगर चेयर कार का भी फैसिलिटीज एज वेल एज 1 विस्टा रूम एज वेल एज अगर आप देखोगे यहाँ पे 2S के साथ भी ये ट्रेन रनिंग होता है। तो टोटल अगर आप देखोगे 4 कोचेस मतलब है तो कोचेस आई गेस 15-16 मतलब ये 4 रेक्स के साथ ये ट्रेन रन होती है और इट रन्स आई गेस मंडे टू फ्राइडे सैटरडे आई गेस जी हाँ, संडे को मेरे ख्याल से ये रन नहीं होती है, मंडे टू सैटरडे ये रन होती है। Thank you.
आवर फर्स्ट कॉल काजरेट जंक्शन, तो काफ़ी ज़्यादा डिले हो गया, 6:15 का पहुँचना था बट काफ़ी ज़्यादा डिले हो गया। तो अगर आप लोगों ने नज़ारा देखा तो काफ़ी अमेजिंग नज़ारा था वो सब, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया, अभी लोनावला पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगा, तो आई गेस और भी अच्छे अच्छे नज़ारे हमें देखने को मिलते बट वो सब देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन आप देखोगे तो काफ़ी अमेजिंग जगह है, ये वेस्टर्न घाट है लाइक ऑफ, अगर आप देखोगे तो काफ़ी अमेजिंग नज़ारे आते। फिर काजरा तक अगर आप देखो स्टेशन कोड KG8 है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे 2-3 लाइन से लाइक ऑफ मुंबई चेन्नई लाइन, मुंबई दादर लाइन, इसलिए इसको जंक्शन कहा जाता है। तो ओवरऑल टिल नाउ जर्नी इज क्वाइट गुड, ठीक ठाक चल रहा है, होप सो साउंड मैनेज कर ले आप लोग। ऑल राइट टू गाइस, राइट नाउ आई एम इन द डाइनिंग एरिया, मतलब डाइनिंग कार में आया हूँ इस ट्रेन का। आपको मैंने बोला था ना डाइनिंग कार अवेलेबल इज देयर, तो यस अभी मैंने ब्रेड ऑमलेट ऑर्डर दिया तो आ चुका हूँ, उसको थोड़ा सा एंजॉय करके देखते हैं। यहाँ पे आपको वेज कटलेट, ब्रेड ऑमलेट है, चाय कॉफ़ी ये सब हल्का फुल्का स्नैक्स मिल जाएगा। थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ किस तरीके का। सो ये रहा डाइनिंग एरिया इस ट्रेन का, वहाँ पे जाके आपको थोड़ा ऑर्डर देना पड़ता है। एंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सीटिंग वगैरह अरेंजमेंट ठीक ठाक है। अगर आप देखो बाहर तो अभी अंधेरा हो चुका है। दिस इज़ माई ब्रेड ऑमलेट, सो आराम से खाते हैं, इंजॉय करते हैं, देन उसके बाद आपसे मिलते हैं। 7:45 इन द इवनिंग गाइस, एंड नाउ वी हैव रीच्ड लोनावला। यस, इट नीड्स नो इंट्रोडक्शन भाई, लोनावला के बारे में क्या ही बताऊँ, आप लोग जानते ही होंगे। यस, द बेस्ट हिल स्टेशन ऑफ महाराष्ट्र, लाइक अब हमारे लिए आसाम से अगर आप देखोगे गुवाहाटी टू शिलोंग जो मतलब एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वही मुंबई टू लोनावला, भाई यहाँ पे घूमने के लिए ऐसी अमेजिंग चीज़ें तो क्या ही बताऊँ। खैर इस बार तो नहीं हो पाया, मोस्ट प्रोबेबली अगर नेक्स्ट टाइम आएंगे तो पूरा महाराष्ट्र को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। खैर यहाँ सिर्फ 2 मिनट का स्टॉपेज है, इसके बाद अगर आप देखोगे हमारा शिवाजी नगर में होल्ड है, देन उसके बाद विल बी इन पुणे। एंड बाय द वे जो मैंने ब्रेड ऑमलेट लिया था, आई थिंक सो लाइफ का बेस्ट ट्रेन का ब्रेड ऑमलेट मैंने खाया है, इतना मैं कह सकता हूँ। खैर सिग्नल हो गया, आप चलते हैं अंदर। ऑल राइट टू गाइस, वी हैव जस्ट रीच पुणे, बट आई हैव फॉरगॉट टू शो यू द इंटीरियर, आपको इंटीरियर जरा दिखा देता हूँ। लुक लाइक दैट है 3x2 का कम्बिनेशन एसी चेयर का, यहाँ पे आपको चार्जिंग सॉकेट वगैरह मिल रहा था। मेरी सीट ये वाली थी, ऊपर रीडिंग लैंप्स वगैरह मिल जाता है आराम से। 8:45 रीच पुणे, 1-2-1-2-3 डेकन क्वीन का सफर यहीं पे होता है समाप्त। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड द ब्लॉग, ब्लॉग अगर पसंद आए तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन स्टे सेफ स्टे हैप्पी।